हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन महीने की और बेहतरीन ही करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। 1 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको भी ज्वाइन जरूर करना। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब आप क्या होगा कि निम्न में से कौन एक बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक का स्रोत है। तो इस सवाल का सही आंसर था एजोला, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक था हमारा। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि हाल ही में किस देश की राजदूत सुश्री कृष्ण मूर्ति आईना द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के संबंध में हरियाणा के साथ समझौता किया है। तो कृष्ण मूर्ति आईना ये हैं इंडोनेशिया की राजदूत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये रिसेंटली हरियाणा के सीएम के साहब के साथ में जो है ना मिली है, और के साथ में इंडोनेशियाई एम्बेसडर जिनका नाम आपको मैंने बताया ही है कृष्ण मूर्ति, ये हरियाणा के अंदर जो है ना स्पोर्ट्स हब को बढ़ाने के लिए भी जो है ना काम करेंगे, और के साथ साथ जो है ना हरियाणा में इन्वेस्ट करेंगे फार्मा इंडस्ट्री के लिए, हरियाणा में इन्वेस्ट करेंगे मेडिकल इंडस्ट्री, जिसको फार्मा मेडिकल इंडस्ट्री आप कहिएगा। तो ये फार्मा मेडिकल और के साथ साथ जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है इनको ग्रो अप करने के लिए एक रिसेंटली जो है ना MOU हुआ है, उसी पर ही डिस्कशन भी हुआ है। इंडोनेशिया को अगर आप मैप में देखते हैं तो इंडोनेशिया को देखिएगा, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, हालांकि जकार्ता तो डूबने जा रही है, तो नई कैपिटल यहाँ की नुसंतारा आप लोगों ने शायद सुनी होगी, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम जोको विडोडो है, और यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रूपी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा बहादुरगढ़ में स्थापित की गई है, यह प्रतिमा कितने फिट ऊंची है। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा बहादुरगढ़ में स्थापित की गई है, और यह प्रतिमा जो है ना 74 फिट की है ना ऊंची है। मतलब पहली कहाँ पे है सर, तो पहली है कोल्हापुर में, कोल्हापुर में एक पहाड़ है वहाँ पर 85 फिट की ऊँची है। इस कोल्हापुर की चप्पलें मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं जनरली पहनता ही कोल्हापुरी चप्पलें हूँ। सर कोल्हापुर से मंगवाते हो क्या? हाँ, अमेज़ोन से आई जाती है, पता ही आपको। कोल्हापुरी स्टाइल की चप्पलें मुझे बहुत पसंद है, मतलब बेहद ही पसंद है। दूसरी बहादुरगढ़ के अंदर 74 फिट की है, इसका रंग सुनहरा है, और प्रतिमा बनाने में मूर्तिकारों को 10 साल लगे हैं, ठीक है ना, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। 2 एकड़ में 2800 वर्ग गज में फैला, 1997 में निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था गाँव सांखोल में गणपति मंगल धाम में। गणेश की प्रतिमा के साथ श्री राम दरबार शिवलिंग भी बनाए गए हैं। 5 सितंबर 2016 को धाम में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जो है ना वो की गई थी। तो दिल्ली रोहतक रोड पे है, बहादुरगढ़ के गांव सांखोल पड़ता है, यहाँ पे 2 एकड़ यानी कि 2800 वर्ग गज में फैला हुआ ये क्षेत्र है। 1997 में काम स्टार्ट हुआ था, 2016 में इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ठीक है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है, इसके चेयरमैन कौन होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल का सही आंसर होगा इसके चेयरमैन होंगे दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। कैबिनेट की बैठक हुई है, एयरपोर्ट विकास लिमिटेड जो है ना इसके गठन की मंजूरी दी गई है अभी रिसेंटली, और इसके बेसिकली जो है ना इसका उद्देश्य ये होगा कि हरियाणा में एयरपोर्ट को सुचारू ढंग से, या यूं कहिएगा नागरिक उड्डयन क्षेत्र को और अधिक सुचारू ढंग से विकसित करने का उद्देश्य है इसका। इसी के लिए एयरपोर्ट विकास लिमिटेड नाम से ही सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बनाने को जो है ना स्वीकृति दी गई है, और इसके जो चेयरमैन होने वाले हैं वो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला होने वाले हैं। इस कंपनी का प्राधिकृत हिस्सा लगभग 100 करोड़ रुपए का होने वाला है, और शुरुआती 5 सालों के लिए जो है ना 8 करोड़ रुपए की जो है ना आवर्ती सहायता अनुदान राशि भी दी जाएगी इसमें। और मैं बता देता हूँ, केरल में इसी तरह की कंपनी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन 1994 में हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था ऐसे 2002 के अंदर महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कंपनी लिमिटेड, गुजरात के अंदर भी गुजरात राज्य उड़न ढांचागत कंपनी बनी थी साल 2010 में, सेम ऐसे आंध्र प्रदेश में भी बनी हुई है 2015 में, यूपी के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका गठन 2018 में किया जा चुका है। तो कुछ ऐसे ऐसे अपने ही राज्य के अंदर, इनके आने से यहाँ के हवाई अड्डे हैं या हवाई पट्टियाँ हैं ये इनमें तो इजाफा हुआ ही है। तो एयरपोर्ट या नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा में सुधारा जा सकेगा इसी कंपनी के गठन होने के बाद ही।
और हरियाणा में भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के साथ जुलाई 2017 को समझौता हुआ था। और इसके अलावा आपको पता ही है, हिसार के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, उसका क्लस्टर का विस्तार भी हो पाना बड़ा संभव हो जाएगा अपने आप में, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों को अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस के सभी पुलिस स्टेशन को चौकियों में 6 महीने में CCTV कैमरे लगा दिए जाएंगे, इसके लिए कितने 1000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो इसके लिए टोटल 8000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी दी है, हालांकि इसके साथ में एक दो परियोजनाओं को और भी एडअप किया जाएगा। हरियाणा में पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए गुरुग्राम में 576 बहुमंजिला घर बनाया गया जिसका जल्दी उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें 106 करोड़ रुपये की लागत आई है। पूरे हरियाणा को CCTV सर्विलेंस के अंदर ऐड किया जाएगा। CCTV का फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। किस जिले में मेगा फूड पार्क बनने वाला है? तो हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना मेगा फूड पार्क बनने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस भवन का काम 30 सितंबर तक कंप्लीट हो ही जाएगा और मेगा फूड पार्क में 1500 मैट्रिक टन और 1000 मैट्रिक टन जो है ना इसकी क्षमता होगी। 2 साइलो भी बनाए जाएंगे। इसका निर्माण काम 15 अक्टूबर तक 100% बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा और इस पर लगभग 179 करोड़ रुपये जो है ना उसकी लागत आई है। और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग वेयर हाउस है, डिजाइन सेट है, वो सब कुछ काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, कौन सा? रोहतक का मेगा फूड पार्क। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माने जाने लगा है? तो बताना इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।